दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम वर्सेस बीए ऑनर्स के बारे में। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ ताकि आपको कंप्लीट क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि एक्चुअल में जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं एडमिशन से पहले ही, यानी कि जो 12th पास आउट हैं अब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके सामने सवाल होंगे कि प्रोग्राम से करें या फिर ऑनर्स लें। ये सवाल आपके माइंड में रहते हैं एडमिशन से पहले और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में भी आपके माइंड में सवाल होते हैं। बिकॉज सवाल इस बेसिस पे भी होते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहना है, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, तो क्या उसमें आप सभी की जो डिग्री है वो वैल्यूबल है या नहीं। कहीं ना कहीं आपको हायर स्टडीज़ में जाना है तो इस बेसिस पर भी आपके माइंड में सवाल आते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि इजीली डिग्री हो जाए, यानी कि कौन सी सबसे सिंपल रहेगी, तो ये सभी सवाल आपके माइंड में घूमते रहते हैं। आज की वीडियो में क्लियर कट बात होगी बीए प्रोग्राम में किस प्रकार से आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर रन करता है, किस प्रकार से आपके कोर्सेज देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं बीए प्रोग्राम और आपके ऑनर्स में, तो इन सभी पर बात करूंगा। साथ ही आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और जो आपके माइंड में मिथ हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। सो इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखें ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर आउट हो जाए। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दें ताकि उन बच्चों को भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए, ताकि उनके भी डाउट क्लियर आउट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं बीए प्रोग्राम वर्सेस बीए ऑनर्स के इस वीडियो में। सो पहले डिस्कस करते हैं बीए ऑनर्स के केस को। देखिए यहाँ पर आपको पूरे ओवरऑल कोर्स के बारे में जान लेना है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सपेक्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं बीए ऑनर्स अगर आप करते हैं तो। देखिए अगर आप बीए ऑनर्स कर रहे हो तो वहाँ पर एक बेस्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप एक बेस्ट सब्जेक्ट को डीपली स्टडी कर रहे हो। बेसिकली सेंस अगर हम समझे तो यहाँ पे आप मास्टरी कर रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम समझे तो आपके पास में एक डीप नॉलेज होगी उस पर्टिकुलर कोर्स की। उसके अलावा अगर हम कहें तो आप एक स्पेशलिस्ट बन जाओगे उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो ये बेनिफिट आपको डीप नॉलेज से ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट मान सकते हैं आपके बीए ऑनर्स के। उसके अलावा कुछ मिथ्स भी आपके माइंड में, कुछ क्वेश्चंस ऐसी अवधारणाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों ने अपने सीनियर से और अपने टीचर्स वगैरह से सुने होंगे और इन जनरली आपको गूगल वगैरह भी मिल जाते हैं। तो जनरली कुछ लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि जो ऑनर्स की डिग्री है जनरली टफेस्ट होती है। देखिए दो अवधारणाएँ, एक तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं कि हाँ मानते हैं कि यार टफेस्ट होती है बिकॉज यहाँ पे आपको डीप स्टडी करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है जनरल से इजी होता है बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स को ही हम देख रहे हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी कन्फ्यूज़न बनी रहती है स्टूडेंट के माइंड में, तो ये भी एक पॉइंट बना हुआ है कि यहाँ पर आपको जो ऑनर्स की डिग्री है उसमें एक पर्टिकुलर वन कोर्स को ही स्टडी करना है। तो यहाँ पे क्लियर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपके पास में चॉइस होती है, आप डिफरेंट सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। वो आपके सिलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये अवधारणा निकाल दीजिए कि यहाँ पे आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बी ए इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि ऑनर्स आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। देखिए ऑनर्स की डिग्री अगर आपका माइंड में है कि यार इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो, हिस्ट्री ऑनर्स भी कर सकते हो, पॉलिटी ऑनर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा भी कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके अलावा आर्ट्स की बात करें बीए इंग्लिश ऑनर्स है, उसके अलावा हम देखें तो हिंदी स्नातक है और ये भी आप कर सकते हो, यानी कि हिंदी ऑनर्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे और ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ये जनरली बात करूँ तो ओपन में इग्नू में ये ऑप्शंस आपके पास में हैं बैचलर डिग्री के लिए, ऑनर्स के लिए। वहीं डी ओ की बात करें तो इसमें कई सारे और ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। सो ये एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलता है डी यू के अंदर में, क्योंकि आप सभी के लिए अगर आपको ऑनर्स करना है, अगर रेगुलर कोर्सेज में जाना है तो आपके लिए रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बेस्ट मानी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप ओपन से भी करते हो तो ऐसे डिफरेंसेस ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं एक वीडियो में ओपन वर्सेज रेगुलर की बेस में, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इसमें आगे के पॉइंट पर। देखिए प्रोग्राम की मोड की बात करें कि एनुअल है या सेमेस्टर, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है बच्चों को। देखिए 2019
जुलाई सेशन से आप सभी के जो प्रोग्राम है उसमें CBCS कोर्स इन्वॉल्व होने से आप सभी के जितने भी प्रोग्राम हैं सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं बात करें यार इग्नू के केस में, तो वहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम है ईयर एंड पे कंडक्ट हो रहे हैं, असाइनमेंट भी आपके ईयर एंड पे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं क्या सेमेस्टर वाइज की, ठीक है। सो ये पॉइंट भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों में ही कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और आपके एनुअली। चलिए आगे बात करते हैं डिटेल ऑफ ऑनर्स के। अब देखिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपको कितना समय लगने वाला है और किस प्रकार की यह डिग्री है, तो ये यूजी डिग्री है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। इसके बाद में कई सारे ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाते हैं। ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करें कितनी ड्यूरेशन आपको टाइम लगने वाला है इस डिग्री को कम्प्लीट करने के लिए, तो मिनिमम 3 ईयर्स आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा बात करें तो आपको यहाँ पर 6 सेमेस्टर कवर करने हैं ओवरऑल, ठीक है। हर एक साल में आपको 2 सेमेस्टर देखने को मिलेंगे। सो चलिए इसके अलावा आगे बात करते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज। देखिए जनरली जब आप ऑनर्स की डिग्री ले रहे हो तो वहाँ पे आपको जो पेपर वन और पेपर टू है वो आपके मेन कोर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपके दोनों ही हिस्ट्री के पेपर होंगे जो आप चॉइस कर पाएंगे गिवन एस्पेक्ट में से, ओके। उसके अलावा अगर बात करें तो थर्ड पेपर आपका जनरल इलेक्टिव होता है जिसे हम जेनरिक इलेक्टिव भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पेपर के बारे में तो वो आपका होता है AECC कोर्स, यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यार कि आपका सेमेस्टर वन किस प्रकार से ओवरऑल रन करता है, किस प्रकार से आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। देखिए जो आपके ऑनर्स के कोर्स हैं वो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर होते हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो ये दोनों ही पेपर आपके हिस्ट्री के होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो 2 पेपर बाकी बच जाते हैं वो आपके डिफरेंटली चॉइस मिल जाती है जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे। अब मेन बात आ जाती है कि यार आपका ओवरऑल रहता कैसा है। देखिए जेनरिक पेपर में आपको चॉइस मिल जाती है कि आप हिस्ट्री के अलावा कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाएंगे। सो थर्ड पेपर में आपके पास में चॉइस है। उसके अलावा फोर्थ पेपर जब आप सेमेस्टर वन में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर इग्नू की अगर बात करूँ तो यार वहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपको कंपलसरी है कि आपको पढ़ना है, ठीक है, सेमेस्टर वन में। वहीं DU की बात करें तो वहाँ पर यार आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको एनवायरनमेंट पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास में इंग्लिश मिल जाती है या हिंदी मिल जाती है जिसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाला पार्ट वहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। तो इग्नू और DU की बात करें तो बस इतना सा अंतर है यहाँ पे कि यार जो आप लोग एनवायरनमेंट यहाँ पे पढ़ रहे हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपको सेकेंड में पढ़ना पड़ेगा DU के अंदर, ओके। अब बात कर लेते हैं यार कि ओवरऑल आपका 1 ईयर कैसा रहने वाला है, कितने कोर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, कितने पेपर होते हैं। तो यार आपके 2 सेमेस्टर हैं, अगर मैं बात करूं यार आपके फर्स्ट ईयर में तो आपके 2 सेमेस्टर हैं, 1 सेमेस्टर 1 और 1 सेमेस्टर 2। सो सेमेस्टर 1 में यार आपके 4 पेपर हैं जिसमें से 2 आपके मेन वाले हो गए, एक जनरल इलेक्टिव हो गया, दूसरा आपका AECC कोर्स हो गया, ठीक है, जिसमें आपका इग्नू में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। और वहीं इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर DU के लिए, ठीक है, और इग्नू के लिए सेकंड सेमेस्टर। वहीं मैं बात करूं यार यहाँ पर इग्नू के लिए ये वाला आपका फर्स्ट सेमेस्टर और ये आपका सेकंड सेमेस्टर, कुछ इस प्रकार से इग्नू में देखने को मिलता है और DU में, ठीक है। बस इन 2 कोर्सेज़ का डिफरेंस है, बाकी किसी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इग्नू में ये कोर्स आपका जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है EBS जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वो आपका सेमेस्टर 1 में मिल जाता है, वहीं DU में आपको सेमेस्टर 2 में देखने को मिलता है। बाकी आपके 2 कोर्सेज़ हैं जो डिसिप्लिन वाले, हम इग्नू में बात करते हैं, जनरल डिग्री में बात करेंगे, कोर कोर्सेज इसको कहते हैं या डिसिप्लिन कह दो, तो ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं जो ऑनर्स में आपने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री लिया तो आपके 2 पेपर आपके हिस्ट्री के रहने वाले हैं, ऐसे ही आपका 3 साल तक चलता है। अब बात करते हैं डियर बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल के बारे में, इसे शॉर्ट में हम BAG भी कह देते हैं, ठीक है। कई जगह पे नॉर्मल डिग्री भी कहा जाता है, कई जगह पे जनरल डिग्री, कई जगह पे प्रोग्राम भी कहा जाता है, तो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसको लेकर भी कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो पहली बात तो यार यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाती है, ओपन चॉइस है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं जिसमें आप चॉइस कर सकते हो अपनी ओर से।
उसके बाद में बात करें तो यार गुड नॉलेज रहती है डिफरेंट कोर्सेज की, क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स को नहीं पढ़ रहे हो, आपके पास में दो जो पेपर हैं जो मेन डिसिप्लिन होंगे वो दोनों ही डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। दूसरा, फेवरेबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तीसरा और लास्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जनरली अगर कहें तो यार कुछ मायनों में ये थोड़ा ईजियर रहता है एज कम्पेयर टू ऑनर्स डिग्री, ठीक है। चलिए कुछ मिथ्स हैं इसके बारे में, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि जनरल डिग्री क्या इतनी वैल्यूबल है कि बराबर मानी जाती है ऑनर्स और जनरल डिग्री को, क्या कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि बराबर वेटेज है? तो यार ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता, और जनरली देखने को मिलता भी है। अब दोनों ही पॉइंट समझो। देखिए कई जगह पर आपकी जो डिग्री है, जब आप बैचलर डिग्री लेते हो जनरल से, तो वहाँ पर कुछ एक जगह पर आपको रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, लेकिन बाकियों में ज़्यादातर जगह पे आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता। ऐसे ही आपका ओपन और रेगुलर की डिग्री में देखने को मिलता है छोटे मोटे इशूज़, ठीक है, कुछ एक जगह पर आपकी ये एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ यार ऑनेस्ट डिग्री की और जनरल की, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप UPSC दे रहे हो तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आती। सो उसके अलावा बात करें यार, जनरल डिग्री ईजियर होती है क्या कंप्लीट करना? तो ऐसा नहीं है यार, इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आप ऑनर्स में पढ़ रहे हो, और कह सकते हो यार थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, बिकॉज आप यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज से डील करने वाले हो। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में कुछ और पढ़ा, सेकेंड ईयर में आप कुछ और पढ़ रहे हो। अब बात करते हैं यार इसकी मोड ऑफ प्रोग्राम की, तो ये भी आपका सेमेस्टर और ईयरली एंड यानी कि एनुअल देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं इसके कोर्स डिटेल के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट है। पहले बात करें यहाँ डिग्री की, तो ये आपका UG डिग्री मिलती है यहाँ से, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। उसके अलावा बात करें इसे कंप्लीट करने में, मिनिमम आपको 3 इयर्स तो देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ सेमेस्टर की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर 6 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने आवश्यक होते हैं, ठीक है। इंटरनल एवोल्यूशन आपको देखने को मिलती है, जैसे असाइनमेंट वगैरह हैं आपकी और कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी आपको देखने को मिल जाती हैं। ऐसा ही ऑनर्स के केस में है, सिमिलर कुछ चीज़ें हैं और कुछ एक परिवर्तन है जो आगे बात करेंगे। अब मेन बात पे आते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर वाइज, इसी में आपके डिफरेंस हैं जो आपको समझने हैं। देखिए जब आप जनरल डिग्री के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास में जो डिसिप्लिन कोर्स हैं, डिसिप्लिन कोर्स यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे आपके पास में टोटली चॉइस होती है। देखिए ऑनर्स में आपने समझा कि जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं दोनों ही आपकी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ऑनर्स की डिग्री ले रहे हो हिस्ट्री से, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा दोनों ही पेपर में। लेकिन जब आप जनरल डिग्री की बात करते हैं डियर, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने PhD कर रहे हो यहाँ से, तो आपको हो सकता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कैसे कर पाओगे, डिफरेंट आप सिलेक्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री ले सकते हो दोनों पेपर, आपके दोनों ही डिफरेंट होने वाले हैं। साथ ही बात करें यार इन दो पेपरों की यानी 3rd और 4th की, तो ये भी आपके डिफरेंट देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं किस प्रकार का ओवरऑल कोर्स आपका देखने को मिलता है। ये मैंने इग्नू के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा है BAG के, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप इग्नू से BAG करते हो, ठीक है, BAG में एडमिशन लेते हो, तो कुछ इस प्रकार से आपके कोर्स देखने को मिल जाते हैं। सो अब इसमें है क्या वो समझ लो। पेपर 1 आपका, जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी ले लिया, तो पेपर 1 आपका पॉलिटिक्स हो गया। उसके अलावा आप पेपर 2 में सिलेक्ट करोगे तो पॉलिटी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, दोनों सेम नहीं ले सकते। वहाँ पे आप हिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास में चॉइस है। उसके बाद में बात करें जनरल इलेक्टिव की, तो वहाँ पे बैगला 135 सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कई सारी और चॉइस भी मिल जाती हैं, तो उनमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके अलावा बात करें यार, ये कंपलसरी है आपका जो AECC कोर्स है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। इग्नू के अंदर बात करें तो इसमें आपको एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा, वहीं अगर हम DU की बात करें तो यार वहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है सेमेस्टर 1 के अंदर, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आपका इग्नू और DU में देखने को मिलता है, बाकी ज़्यादा चेंजेस इसमें भी नहीं देखने को मिलते हैं। सो इसके अलावा बात करें यार, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, ठीक है। आप अगर एडमिशन लेते हो तो कहाँ से करना सही रहेगा? अगर बात करें यार डिग्री की, तो आप दोनों ही को प्रेफर कर सकते हो, दोनों ही मोड को, या तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो या ओपन में।
दोनों ही बेस्ट चॉइस हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आपके पास में किस प्रकार का टाइम है। क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर किसी जॉब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ओपन ज़्यादा अच्छा माध्यम रहता है, क्योंकि रेगुलर में हो सकता है यार आप उतना अच्छे से नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएँ, नहीं उतना जा पाएँ, तो उसमें इश्यूज़ बन जाएंगे। लेकिन ओपन से आपके पास में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, वहाँ पर अटेंडेंस की कोई महत्व नहीं है, लेकिन रेगुलर में आपको अटेंडेंस देनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास में कई सारे और ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हो, अपनी और कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे इतना हार्डर देखने को नहीं मिलता। उसके कई सारे रीज़न है। एक तो इंटरनल चीज़ें नहीं होती, एक्टिविटीज़ वगैरह स्पेसिफाई नहीं होते, बिकॉज अगर आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो तो वहाँ पे आपके कई सारे और प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं जिसमें और एक्टिविटीज़ भी हैं, जिस बेसिस पे आपका कहीं ना कहीं टाइम भी कंज्यूम होता है अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चलता रहता है। ओवरऑल अगर बात करूँ जो रेगुलर में एडमिशन लेते हैं, तो उनका अराउंड स्टार्टिंग के 2 या 1 or 2 months और उससे भी ज़्यादा यार उनके स्पेसिस पे निकल जाते हैं, फेस्ट वगैरह में, पार्टीज़ वगैरह में। ठीक है, तो इस स्पेसिस पे उनका काफ़ी समय निकल जाता है। जनरली काफ़ी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अपना समय निकाल देते हैं। तो जब भी यार आप ऐसी एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे भी याद रखो कि आपको ज़्यादा समय ऐसे ही वेस्ट नहीं कर देना। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपके लिए मैटर करता है। और यहाँ पे वेल सेट आपको अगर समझना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात कही है रेगुलर वर्सेस ओपन की, यानी कि डीयू वर्सेस इग्नू को मैंने वहाँ पे कंपेयर किया है विद पॉइंट्स। तो आप लोग देखिए, उसको समझिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, सो इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी बच्चों को सवाल होता है कि अगर हम जनरल डिग्री लेते हैं या फिर ऑनर्स की डिग्री लेते हैं, तो क्या यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जनरली ये उन बच्चों का सवाल होता है जो ओपन से कर रहे होते हैं या फिर जनरल डिग्री में एडमिशन होता है, तो उनके माइंड में सवाल होता है कि सर क्या हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी आईएएस वगैरह बन सकते हैं क्या। तो यार बिल्कुल आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी आईएएस बनना, आईपीएस बनना, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, आप एग्ज़ामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यूपीएससी की अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, तो वहाँ पर मेन चीज़ क्या है, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो वहाँ पर आपके पास में कोई भी किसी से भी एक यूजीसी ग्रांटेड से आपकी डिग्री मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, यूजीसी ग्रांटेड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री हो और अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, एक बैचलर डिग्री होनी आवश्यक है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, कोई इशू नहीं देखने को मिलता, चाहे ऑनर्स की हो या फिर आपकी जनरल कोर्स की हो, कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिलता। आप एलिजिबल हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ठीक है, बाकी आईएएस बनना, आईपीएस बनना या आईएफएस बनना, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप बनेंगे या नहीं। ओके, उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है गवर्नमेंट जॉब एंड कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार देखने को मिलता है कि कई सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर जॉब में जनरल डिग्री को क्या इतना महत्व नहीं दिया जाता, अगर हम जनरल कोर्स लेते हैं, जनरल डिग्री करते हैं, तो क्या जॉब हमें नहीं दी जाएगी। तो ऐसा ही डियर देखने को नहीं मिलता है। जनरली अब जो कोर्सेज हैं, अब जो जॉब्स वगैरह निकल के आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, तो वहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपकी लगन देखने को मिलती है, हार्डवर्क देखने को मिलता है। वहाँ पर डिग्री भी आपकी एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को वहाँ पर बना के ख़त्म हो जाती है, बाकी मेहनत आपकी रिटर्न की और इंटरव्यू की बनती है। वहीं बात करें यार जॉब्स के रिगार्डिंग, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उसमें भी यार आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में वो उसी बंदे को हायर करेंगे जिसके पास में अच्छी वैल्यूज़ हैं, अच्छी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यार कि थर्ड पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हायर स्टडीज़ यानी कि फॉरेन स्टडीज़ में क्या डिग्री से कुछ इश्यूज़ आते हैं अगर जनरल डिग्री करते हैं। तो जनरली ऐसा नहीं है, लेकिन एक इशू देखने को मिलता है अगर आप कंपेयर करो रेगुलर और ओपन को, तो वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेगुलर के में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ओपन में थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, ये पॉइंट फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि यार हमें यूजी मतलब की अंडर ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद में कहीं ना कहीं बीएड करना है या फिर हमें टीचिंग लाइन में जाना है, तो क्या कर सकते हैं, क्या डिग्री से हमें वैल्यू मिलेगी? अगर हम जनरल डिग्री लेते हैं तो क्या हम टीचर्स बन सकते हैं? तो यार आप टीजीटी बनना चाहते हो तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप 11th 12th को यानी पीजीटी बनना चाहते हो या प्रोफेसर बनना चाहते हो तो वहाँ पर इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी जनरल डिग्री से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपकी ऑनर्स की डिग्री होना कंपलसरी हो जाती है। सो उसके बाद में फिर क्वेश्चन की बात करते हैं, दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा आसान है? ठीक है, ये सवाल बहुत बच्चों ने पूछा है कि सर कौन सी डिग्री इम्पोर्टेंट है या फिर ईजी रहती है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो, एक तो आपकी ऑनर्स को भी और एक आपकी जनरल को भी, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो यार ऐसा देखने को नहीं मिलता कि दोनों में से कोई अगर स्टैंडर्ड में रखें तो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं एक को पिक करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो जनरल डिग्री है वो थोड़ी सी ईजियर रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कहूँगा यार, क्योंकि अगर आप सोचो कि 10% और 10/90 का रेशियो लेकर चलो तो बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जनरली नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, डिग्री की मान्यता किसकी सबसे ज़्यादा है, क्या जनरल डिग्री या फिर आपकी ऑनर्स की? तो यार दोनों की ही मान्यता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर आपकी ऑनर्स की डिग्री कहीं ना कहीं बाजी मार जाती है। तो ये मेन पॉइंट हैं आपके क्वेश्चंस हैं। अगर कोई और क्वेश्चन बचा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।